एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूं फैजान आपके साथ, और इस वक्त हम हैं हेल्थ पवेलियन में एट प्रगति मैदान, जहां पर इम्यूनाइजेशन स्टॉल लगा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दो खूबसूरत, दो होनहार इंसान। नंबर वन डॉक्टर चिराग, जो इम्यूनाइजेशन स्टॉल से हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरे हैं हमारे साथ निशांत शुक्ला, ये भी इम्यूनाइजेशन स्टॉल से, बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि टीकाकरण क्यों जरूरी है? देखिए, बहुत सारी बीमारियां जो हम प्रिवेल करते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको भी होती है, लेकिन हर चीज को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते और हम उसको ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं ज्यादातर चीजों को। लेकिन वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो कि उस बीमारी से प्रिवेंट कर सकता है, और लाखों करोड़ों बच्चों को जो कि एक अपग्रोइंग एज में होते हैं, उनको उस जानलेवा बीमारी से बचाता है, और उससे हम उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, उनका विकास एंड ग्रोथ बढ़ता है। तो जितने भी बीमारियां जानलेवा है, जैसे कि पहले जमानों में काफ़ी सारे बच्चे डेथ हो जाती थी, डिजेबल हो जाते थे, उनके खिलाफ में इतनी सारी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, वो लेने के बाद वो सुरक्षित रहते हैं, हम उनकी मोर्टालिटी प्रिवेंट कर सकते हैं और बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। सो बहुत सारे मिथ है इस वक्त सोसाइटी में, जहां पर ये कहा जाता है कि बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि उसको पहले ठीक होने दीजिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मली वैक्सीन आर क्वाइट सेफ, उससे कोई परेशानी नहीं होती है, और हल्के फुल्के बुखार में और ऐसे सर्दी खांसी हो तो भी टीके लिए जाने चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों का टीकाकरण जिस एज में देना चाहिए उस एज में उनको मिल जाना चाहिए। उसके लिए हर जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स अवेलेबल है, उनके डेज फिक्स है, गाँव में, शहर में, सब जगह है। बच्चों को टाइमली जाकर वैक्सीन दिलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो ज्यादा जल्दी सुरक्षित रहेंगे। ओके, निशांत शुक्ला जी मेरे साथ है। सर, हमें ये बताओ कि ये टीका टीकी के बारे में क्या कहोगे? तो टीका एंड टीकू जो है हमारे, ये इम्यूनाइजेशन के मैस्कॉट है, ये हमारे हीरो हैं। इसके थ्रू हम बच्चों को, फैमिलीज को ये मैसेज देते हैं कि आप समझदारी दिखाएं और अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये जो किड्स है, ये बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, बेटी है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे टीकाकरण करा रखा है। तो ये मैसेज सबको देते हैं कि टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है, टाइम पे कराना है। अगर आपका कोई टीका मिस हो चुका है तो आप जाके दोबारा आशा दीदी से, एएनएम दीदी से बात कीजिए और अपना टीका दोबारा ले लीजिए। पीछे से आवाज आ रही है, जब तक है जहाँ जाने बहाल मैं नाचूंगी। बिल्कुल नाचोगे तब जब आपके पैर स्ट्रॉन्ग होंगे, और स्ट्रॉन्ग कर करना है तो फिर टीकाकरण बहुत जरूरी है। वैसे डॉक्टर साहब से एक सवाल और हम जरूर पूछेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि बीच में टीका लगाते लगाते टीका छूट जाता है, उसके बाद उनको कवर कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर एक टीके का जो है वो एक मेन मिनिमम एज ग्रुप है जिस एज में उनको टीका देना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमेशा एक मैक्सिमम एज ग्रुप भी रखा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे का किसी कारण से टीका छूट जाता है, वो माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं गए हुए हैं, उस टाइम पे उनके एरिया में टीकाकरण हुआ छूट गया है, तो वो अगले नेक्स्ट सेशन जब भी उनके एरिया में होता है वहाँ पे वो जाके इसलिए टीका ले सकते हैं। हर टीका को जो भी छूट जाता है उसके एक पर्टिकुलर लिमिट एज ग्रुप भी है, जहाँ पे जाके वो आराम से टीका ले सकते हैं। बस उनको ज्यादा डिले ना करें, वो नेक्स्ट अवेलेबल टाइम पीरियड और उस सेशन पे जाकर तुरंत टीका ले ले, थोड़ी सुरक्षित रहे। सुबह 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार, ये हमारा एक कैंपेन है जो आप अगर देखेंगे पीछे भी चल रहा है। इसमें अमिताभ बच्चन साहब जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, टीकाकरण के लिए भी वो सहायता करते हैं। उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया है कि 5 साल में प्रेगनेंसी जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, उसके बाद से 5 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो 7 बार विजिट करना होता है। उसमें जितने भी सारे टीका होते हैं, जो डोजेस होते हैं, वो लेना जरूरी है सर। तो वो कभी भी आप उसे छोड़े ना, और अगर छूट जाए तो आप अपने आशा दीदी, एएनएम दीदी से बात करके टीका को वापस ले लें। तो ये टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी है ताकि फुल इम्यूनिटी बच्चों की डेवलप हो जाए। उन 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस होते हैं, जैसे कि पोलियो आपको पता है, मीजल्स, रूबेला, इसके खिलाफ ये टीकाकरण दिया जाता है सरकार द्वारा। मुफ्त में मिलता है, हर सरकारी केंद्र में मिलता है, बिल्कुल मुफ्त में, इसको लीजिए और संपूर्ण टीकाकरण कराइए। सर, टेक्निकल बात हमसे बात हो रही थी निशान जी की, लेकिन सर हमेशा आप कहते हैं कि 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक ही बार, ये बहुत जरूरी है 5 साल, लेकिन हम ये कहते हैं कि जन्म से लेकर के 16 साल तक जो टीके हैं वो बेहद जरूरी है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, जो बेसिक वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो बच्चों को हम देते हैं यूजुअली,
वो 5 साल तक हम बोलते कि 5 साल में 7 बार आप वो टीका लीजिए, तो ये नॉर्मली उसका सारा कंप्लीट होता है। तो उसको फिर बूस्ट करने के लिए 10 साल और 16 साल में भी लेना इसको जरूरी है। उसमें अभी टीडी वैक्सीन दिया जाता है और ये भी लेना बहुत जरूरी है। ओके, आप दोनों इस वक्त इम्यूनाइजेशन स्टॉल पर हैं, तो एक मैसेज जो आप आम जनता को देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आप कहेंगे उनको अपील करेंगे आने के लिए, तो क्या वैक्सीनेशन यहाँ उपलब्ध है? यहाँ पर हम वैक्सीनेशन की जानकारी दे रहे हैं ताकि जब पेरेंट्स आते हैं यहाँ शॉपिंग करने बच्चों के साथ फैमिली के साथ, तो वो थोड़ा सा ध्यान यहाँ भी दें और एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो है कि कोई टीका छूट ना जाए और सारा वैक्सीनेशन अपने बच्चे का करा जाए। इवन प्रेग्नेंट लेडीज का जो भी वैक्सीनेशन है वो कराना चाहिए, तो वो हम एक शेड्यूल दे रहे हैं टीकाकरण के सारे भी, जिसमें जन्म से लेके 16 साल की उम्र तक कब कब टीका लगना है और गर्भवती महिला को, सारा उनको हम दे रहे हैं यहाँ पर ताकि वो मिस ना कर सके और ये मैसेज घर लेके जाए। बिल्कुल, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी हम दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस स्टॉल में मिल रहा है, जो कि ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी इसको कह सकते हैं, जो जन्म से लेकर के 16 साल तक के बता रहे हैं कि कब तक आपको टीकाकरण लेना है और कितना जरूरी है। सर, जन्म से लेकर के 16 साल ये टीकाकरण लगते रहते हैं और ये जरूरी है। सर, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश टीकाकरण मिस हो जाता है, तो उसको हम कवर अप कैसे करें बीच में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी टीके का एक मिनिमम एज है जहाँ पे हम शुरू करते हैं उसका टीका, लेकिन अगर उसको छूट जाता है तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एज है जहाँ तक वो आराम से हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट शेड्यूल ऑलरेडी है, तो वो रिपीटेडली जाकर वहाँ पे अपने बाकी के टीके कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी सोचते हैं कि एक बार हमारा टीका मिस हो गया तो हम आगे नहीं दिलवा सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि उनको नेक्स्ट सेशन या उसके बाद वाले सेशन में जैसे ही उनको टाइम मिलता है उसको प्रायोरिटी पे लेकर, मम्मियों को और फादर्स को प्रायोरिटी पे लेकर उनको जाकर अपने बच्चे का टीका पहले करवा लेना चाहिए, बाकी सब छोड़ते हुए, ये बहुत जरूरी है। और अगर वो कहीं पे गए हुए भी है तो इंडिया में सेम टीका इंडिया में हर जगह पे मिलता है, वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी गया हुआ है तो अपना सिर्फ कार्ड लेकर जाए, बाकी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या हेल्थ सेंटर में जाए, अपना कार्ड दिखाए, जिस जगह वो रहने वाले हैं वहाँ पर वहाँ टीका लग रहा है तो वो सेम टीका उसको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो छूटने की संभावना और भी कम हो जाएगी। सुबह हेल्थ पवेलियन एट प्रगति मैदान से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम व्यूअर्स को, जिस वक्त आपको इस वीडियो के माध्यम से देखें? देखिए, हम सबको जनता को यही कहना चाहते हैं कि टीका बहुत जरूरी चीज है, अगर हम हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्ट्रांग रखना चाहते हैं, उनका विकास बढ़ाना चाहते हैं, तो ताकि वो आगे जाके एक बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत इंटेलिजेंट बने, तो टीका एक बेसिक चीज है जो कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाएगा, कम से कम बीमारियां होगी, कम से कम बीमार होंगे, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो हम भी खुश होंगे और हमारे देश की प्रगति भी होगी, हमारा नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा बनेगा। और टीका जो है सरकार के इनिशिएटिव की वजह से पिछले कुछ सालों में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टीके ऑलरेडी फ्री में गवर्नमेंट में मिलते हैं, प्लीज जाकर लीजिए, सारे अपने बच्चों को टाइम ही लीजिए और बहुत अच्छे से सुरक्षित रखिए और उनको बढ़िया से ग्रो करिए। सुपर, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। आप एक मैसेज, लास्ट मैसेज जो आप इस हेल्थ पवेलियन से एट प्रगति मैदान से आप देना चाहते हैं तमाम व्यूअर्स को, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहोगे? जो टीकू एंड टीकू कहते हैं कि समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराएं, यहाँ पर टीकू एंड टीकू के मैस्कॉट भी लाइव है यहाँ पर, तो जब फैमिली यहाँ शॉपिंग करने आएंगे तो वो उसके साथ पिक्चर्स भी खिंचा सकते हैं। तो हैव फन एट आईआईटी, साथ में टीकाकरण की जानकारी भी ले लीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये है डॉक्टर चिराग और ये है डॉक्टर निशान शुक्ला। मैं तो भाई डॉक्टर कहूँगा क्योंकि जानकारी इनके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर इंसान, एक आम इंसान अगर नॉलेज रखता है तो वो घर का डॉक्टर बन जाता है, तो मेरे लिए तो डॉक्टर निशान शुक्ला भी है। थैंक यू सो मच। बाकी सुनते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में फॉर सिटी।